क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट वर्ड इज अल्काइल ग्रुप, जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल ग्रुप, हाउ डू यू नेम एन अल्काइल ग्रुप एंड कन्वर्टिंग अल्केन टू अल्काइल ग्रुप। चलिए जानते हैं दैट वर्ड इज अल्काइल ग्रुप। बाय डेफिनेशन, ग्रुप विच इज ऑब्टेन बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी अल्केन इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब कभी किसी भी अल्केन में से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पर मौजूद मेथेन, जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक सिंपलेस्ट अल्केन है। जैसे ही मेथेन में से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। मिथाइल, जिसे CH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक अल्काइल ग्रुप है और इसकी फॉर्मेशन तभी हुई कि जब मेथेन में से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो इसके रिजल्ट में हमारे पास CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हुई। याद रखें कि तमाम अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। याद रखें कि तमाम अल्केन्स में कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। चलिए जानते हैं वो जनरल फार्मूला जिसके जरिए अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कीन को जनरली जिस फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है वो है CnH2n+2। यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अब सवाल ये है कि अल्काइल ग्रुप को हम किस फार्मूले के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जैसे ही अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल ग्रुप फॉर्मेशन होती है। सो इस जनरल फार्मूला में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप के लिए जनरल फार्मूला यूज होता है वो है CnH2n+1। अब यहां पर अल्केन और अल्काइल ग्रुप के फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमारे पास कि अल्केन के फार्मूला में हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर 2n+2, जबकि अल्काइल ग्रुप के फार्मूले में हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर 2n+1 है। यानी अल्काइल ग्रुप में वन हाइड्रोजन लेस है एज कम्पेयर टू अल्केन। चलिए जानते हैं कि हम अल्काइल ग्रुप को नेम कैसे देंगे। अल्केन में से जैसे ही हम AnEn को रिप्लेस कर देंगे YL से तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेथेन जो कि एक हमारे पास अल्केन है और जैसे ही मेथेन में से AnE को हम रिप्लेस कर देंगे YL से तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि एक अल्काइल ग्रुप है। स्क्रीन पर हमारे पास अल्केन और अल्काइल ग्रुप की नेमिंग लिस्ट मौजूद है और स्क्रीन पर मौजूद इस टेबल के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से हम इजीली अल्केन को अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो फर्स्ट अल्केन है वो है मेथेन, जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है और हम जानते हैं कि जब कभी अल्केन में से वन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में अल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेथेन, जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और इसके रिजल्ट में यानी कि मिथाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है। सेकंड है हमारे पास एथेन, जिसे C2H6 से रिप्रेजेंट किया जाता है और जैसे ही एथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि वन हाइड्रोजन लेस हो गया है और ये हमारे पास C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अगेन एक अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन, जिसे C3H8 से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप यानी कि प्रोपाइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसे C3H7 से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी वन हाइड्रोजन लेस है एज कम्पेयर टू प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेन, ब्यूटेन जिसे C4H10 से रिप्रेजेंट किया जाता है और जैसे ही यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया तो इसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप जिसे C4H9 से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेन, पेंटेन जिसे C5H12 से रिप्रेजेंट किया जाता है और वन हाइड्रोजन को रिमूव करने पर हमारे पास पेंटाइल की फॉर्मेशन हो। इसी तरह हेक्सेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने पर हेक्साइल, हेप्टेन से वन हाइड्रोजन को रिमूव करने पर हेप्टाइल एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास अल्केन्स में से जैसे ही वन हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो इसके रिजल्ट में इजिली अल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है।
चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।